स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात कर लेते हैं मार्केट की और मार्केट से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पिछले 15 दिन में लॉन्च किए गए वेलफेयर और कार्यक्रमों की वजह से इकोनॉमी का फायदा और जीडीपी ग्रोथ 1% बढ़ने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पिछले 15 दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए और इसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन 4% तक बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। नई वंदे भारत ट्रेन की वजह से रेलवे को बेनिफिट और इकोनॉमी को गति और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। यूएस की अगर बात करें तो वहाँ पर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। इसके अलावा यूएस में इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण यूएस में इंट्रा स्टेट कम होने की संभावना टली है। ग्लोबल मार्केट्स में अब भी इंटरेस्ट रेट्स हाई रहने की संभावना है। जापान में आईआईपी कम होने की संभावना, जर्मनी में जॉबलेस क्लेम्स बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो ये आज का बाजार क्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर और मार्केट से जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अलग अलग ग्लोबल अगर बात करें तो यहाँ पर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है, लेकिन भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बूम कर रही है। और इसी वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकाश जिंदल बतौर मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए। जिंदल साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज भारत से और शेयर मार्केट से क्या खबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली कई सारी इकोनॉमी है वर्ल्ड वाइड जो डाउन कर रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है। बढ़िया बात कही आपने प्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की बात, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है पिछले 15 दिनों में। बहुत से वेलफेयर के, बहुत से लोक भलाई के कार्यक्रम प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंस किए हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in की कैलकुलेशन है कि जो पिछले 15 दिन में मेगा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की है, उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ 1% और बढ़ने की संभावना है। और कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो मैं पूरा डेटा उसको दे सकता हूँ, पूरी कैलकुलेशन दे सकता हूँ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ग्रोथ को लेके जो अनाउंसमेंट्स किए हैं हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, उसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन जो कि पहले से बहुत अच्छी चल रही है 4% के आसपास बढ़ने की संभावना है। दूसरी तरफ देखिए, वंदे भारत वो ट्रेन जो आज बहुत ही फास्ट चलने वाली ट्रेन है, 160 किलोमीटर तक उसकी स्पीड जाती है, वो और लॉन्च हो रही है, उससे क्या होगा, उससे हमारी रेलवे को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल ख्याति मिल रही है। अल्टीमेटली वो कमर्शियल टर्म में आगे जाके इनकैश होगी। उससे क्या है, हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स देख रहे हैं हिंदुस्तान में किस तरह की एक स्पीड वाली ट्रेन, किस तरह की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आ रही है, तो उससे हिंदुस्तान का ब्रांड जो है दुनिया में चमकता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित करेगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी टीम की विजनरी सोच है जो हिंदुस्तान को फायदा दे रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत 24 के दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के